4ই নভেম্বর বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস উপলক্ষে 14ই নভেম্বর ইমামি ফাউন্ডেশন ও ডায়াবেটিস কেয়ার সেন্টার কলকাতার বিভিন্ন স্থানে 50টি ক্যাম্পের আয়োজন করেছে, যেখানে কলকাতার রাস্তায় হাজার হাজার মানুষকে ডায়াবেটিস সংক্রান্ত সচেতনতার পরামর্শ ও শিক্ষা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও প্রায় 2000 প্রাপ্তবয়স্ক লোকের ডায়াবেটিসের জন্য পরীক্ষা করা হয়েছিল এবং যাদের উচ্চ মাত্রায় রক্ত শর্করা হয়েছে তাদের অত্যন্ত সাশ্রয় মূল্যে চিকিৎসার জন্য ইমামি ফাউন্ডেশন কেয়ার সেন্টারে রেফার করা হয়েছিল। ইমামি ফাউন্ডেশন এছাড়াও কলকাতা এবং কলকাতার শহরতলিতে ডায়াবেটিস সংক্রান্ত পরিষেবাগুলির নাগাল প্রসারিত করার পরিকল্পনা করছে, যাতে সমাজের একটি বিস্তৃত অংশের কাছে পৌঁছাতে সক্ষম হয় যাদের এই ধরনের পরিষেবা সব থেকে বেশি প্রয়োজন। मेरा नाम है अतुल सिंह और मैं इमामी लिमिटेड का CSR विच इज़ द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको देखता हूँ और इमामी फाउंडेशन जो सोशल डिवीजन है इमामी का उसका काम मैं देखता हूँ। अच्छा, आपका जो इमामी फाउंडेशन है ये कैसा काम करते हैं, कैसे काम करते हैं और आम आदमी को कैसे परिसेवा देते हैं? हम लोग इमामी फाउंडेशन जो है ये एक तरह से चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। इमामी लिमिटेड का जितना भी कॉर्पोरेट सोशल एक्टिविटीज़ है, यानी कि हेल्थ हो गया, एडुकेशन हो गया, स्किल डेवलपमेंट हो गया, वुमेन एम्पावरमेंट हो गया, काफ़ी सारा प्रोजेक्ट्स हम लोग रन करते हैं और आज का जो स्पेशल प्रोग्राम है ये डायबिटीज़ के बारे में है, बिकॉज डायबिटीज़ इज़ सपोज टू बी अ साइलेंट किलर और काफ़ी लोग हर साल डायबिटीज़ के शिकार होते हैं। समहाउ लोग को डायबिटीज़ के बारे में उतना अवेयरनेस नहीं है कि कितना डेंजरस ये डिजीज़ हो सकता है। तो हम लोग चाहते हैं कि लोगों को डायबिटीज़ के बारे में बोले, उनको इसके बारे में अवेयर करें कि डायबिटीज़ के कारण कितना लंग्स में, हार्ट में, किडनी में, बाकी सब ऑर्गन्स में प्रॉब्लम होता है जिससे काफ़ी लोगों की मौत होती है। और हम लोग चाहते हैं कि लोगों को मालूम नहीं है कि उनको डायबिटीज़ है, तो हम चाहते हैं कि उनका स्क्रीनिंग करें, उनको बताएं कि उनको डायबिटीज़ है और अगर नहीं है तो कैसे नहीं हो इसके बारे में उनको जानकारी प्राप्त करें, बिकॉज डायबिटीज़ ऐसी बीमारी है जो कि लोग को मालूम नहीं पड़ता है और जब तक सिम्टम्स आता है तब तक काफ़ी देर हो जाती है। तो हम चाहते हैं कि अवेयरनेस फैला के, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो हम चाहते हैं कि प्रिवेंशन में फोकस करें और जो लोग को हो गया है उसका हम लोग का डायबिटीज़ सेंटर यहाँ चलता है, जहाँ पर डायबिटोलॉजिस्ट है, MD मेडिसिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं, हम लोग का पोडियाट्रिस्ट है जो कि फूड चेकअप करता है, हम लोग का ऑप्थेमोलॉजिस्ट है, डाइटिशियन है, डायबिटीज़ एडुकेटर है, कॉम्प्रिहेंसिव अंडर वन रूफ हम लोग यहाँ पर डायबिटीज़ केयर प्रोवाइड करते हैं। अभी तक कितने लोगों का हुआ? अभी हम लोग का आज वर्ल्ड डायबिटीज डे के दिन हम लोग का स्पेशल कैंप चल रहा है, वो कैंप में हम लोग सब मिला के 50 कैंप्स कर रहे हैं।